गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में चैप्टर्स 15 कंप्लीट हो चुका है। नाउ टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 16, पीपल एंड देयर एक्यूपेशन। पीपल एंड देयर एक्यूपेशन, एक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, अपने आसपास रहने वाले लोग और उनके द्वारा किए जाने वाला जो काम है फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूपेशन। ओके, इससे पहले ये जो अपने आसपास रहने वाले पीपल्स है उनके एक्यूपेशन देखने से पहले हम देखेंगे कि अपने पड़ोसी उसको क्या कहा जाता है और अपने आस पड़ोस ये कैसे होता है, किस पड़ोसी किसे कहेंगे और आस पड़ोस किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन पहले हम देखेंगे और उसके बाद पीपल्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस स्टार्ट करेंगे। अब देखो नेबर्स, नेबर्स हम लोगों ने देख सुना है ये वर्ड नेबर्स, यानी अपने पड़ोसी। पड़ोसी किसे कहते हैं, पड़ोसी तो बहुत से होते हैं। चार घर छोड़ के रहोगे, चार घर छोड़ के रहने वाले को हम भी, उनको भी हम क्या कहते हैं, पड़ोसी। दस घर छोड़ के रहने वालों को भी हम क्या कहते हैं, पड़ोसी। लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो देखो हम नेबर्स किसे कहेंगे और आस पड़ोस किसे कहेंगे, नेबरहुड। नेबर्स मीन्स पड़ोसी होता है और नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस होता है। तो पहले हम देखेंगे नेबर्स। नेबर्स आर पर्सन हु लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस और नियर आवर हाउस, जो अपने घर के आसपास रहता है, जैसे अपने घर के बाजू में रहने वाला या उसी लाइन में रहने वाले जो घर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेबर्स। दो गली छोड़ के हम उसे नेबर्स नहीं कहते, जो अपने एरिया में उतने ही, जहाँ हम रह रहे हैं उसके चार पांच घरों का जो एरिया रहता है उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया में रहने वाले इंसान को, पीपल्स को हम क्या कहते हैं, नेबर्स। यानी नेबर्स आ पर्सन हु लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस। ओके, नेबर्स यानी नेबर्स पर्सन हु लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस, वो इंसान जो अपने घर के जस्ट नेक्स्ट या घर के पास में रहने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं, वो अपने पड़ोसी है। अब हम देखेंगे नेबरहुड, नेबरहुड ये तो हो गई पड़ोसी और ये हो गया अपने आस पड़ोस। नेबर्स मीन्स पड़ोसी और नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस। नेबरहुड मीन्स एन एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस। नेबरहुड मीन्स क्या होता है, अपने घर के आसपास जो एरिया रहता है, घर के पास वाला घर नहीं, घर के आसपास जो एरिया रहता है, जो आसपास की दुकानें वगैरह, सिर्फ दो घर छोड़ के चार घर ये नहीं, जो अपने आसपास का जो पूरी एरिया रहता है, पूरी जगह रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेबरहुड। इट आल्सो मीन्स पीपल लिविंग इन दैट एरिया, यानी उस एरिया में जिस तरह से अपने नेबर्स रहते वैसे ही अलग लोग भी वहाँ रहते हैं। मैनी पीपल लिव इन नेबरहुड, बहुत से लोग रहते हैं आस पड़ोस में। दे नीड सो मैनी थिंग्स इन देयर डेली लाइफ, और उन लोगों को जैसे हम लोगों को ज़रूरत रहती है, बहुत से ऐसी जो नीडेबल थिंग्स रहती हैं उनकी हमें ज़रूरत रहती है, वैसे ही उन लोगों को भी डेली लाइफ में नीडेबल थिंग्स की ज़रूरत रहती है। दे अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, वो भी पैसे कमाने के लिए सारे क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जॉब करते हैं, और जॉब डन बाय डिफरेंट पीपल टू अर्न मनी आर देयर ऑक्यूपेशन, और जो लोग
पैसे कमाने के लिए जो जॉब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। ये तो हो गया अपना नेबरहुड। नेबरहुड की देखो एरिया, नियर, आवर, हाउस। नियर और अराउंड हम दोनों लिख सकते हैं घर के आसपास, घर के चारों ओर। एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस, एरिया नियर आवर हाउस उसे हम क्या कहते हैं, नेबरहुड। और नेबरहुड में रहने वाले इंसान क्या करने जाते हैं, अर्न मनी, ओके, पैसे कमाने के लिए। और पैसे कमाने के लिए जो जॉब किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन, ओके। ये ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको ब्लैकबोर्ड पे लिखवाऊंगी, वो आपको लर्न भी करनी है। अब हम इतना ही देखेंगे आज, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में हम देखो अपने आस पास रहने वाले जो पीपल्स है वो क्या क्या काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। अब हम चैप्टर एक करेंगे पेज नंबर 61। यस, ओपन योर बुक, पेज नंबर 61, चैप्टर नंबर 60, जो नेबर्स और नेबरहुड वाला जो पार्ट हो चुका है उतना ही आज हम रीड करेंगे। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 61, चैप्टर नंबर 16, पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस, पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस। हु आर नेबर्स, ये मैंने आपको ब्लैकबोर्ड में पूरी तरह से समझा चुकी हूँ। नेबर्स आर पर्सन्स हु लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस और नियर आवर हाउस, जो आपके नेक्स्ट यानी अगले घर में रहता है या आपके पास में पास वाले घर में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पड़ोसी। क्या कहते हैं, नेबर्स। व्हाट इज नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स एन एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस। इट आल्सो मीन्स पीपल लिविंग इन दैट एरिया। मैनी पीपल लिव इन ए नेबरहुड, दे नीड सो मैनी थिंग्स इन देयर डेली लाइफ। दे अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, जॉब्स डन बाय डिफरेंट पीपल टू अर्न मनी आर देयर ऑक्यूपेशंस। देखो नेबरहुड अपने घर के आसपास वाला जो एरिया रहता है उसे नेबरहुड कहते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग एक साथ रहते हैं और उनको दे नीड सो मेनी थिंग्स इन देयर डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ में उनको बहुत सी ऐसी वस्तुओं की ज़रूरत रहती है। दे अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, वो अलग अलग तरह की जॉब करके पैसे कमाते हैं। जॉब्स डन बाय डिफरेंट पीपल टू अर्न मनी आर देयर ऑक्यूपेशन, वह जॉब जिसको करने से पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उस इंसान का ऑक्यूपेशन। ओके, यहाँ तक हमने रीड कर लिया है, ब्लैक बोर्ड पर भी मैंने यहाँ तक ही समझाया। अब बाकी आपको जो अलग अलग ऑक्यूपेशन है उसे हम क्या कहते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन करने वाले को हम क्या क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, ये आपको रीड भी करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।